इटावा के परिवहन विभाग में 8 वर्षों तक चली वित्तीय अनियमितताओं को लेकर आंतरिक ऑडिट रिपोर्ट का सत्यापन करने उप परिवहन आयुक्त परिषद कानपुर ने यहां के उप संभागीय परिवहन कार्यालय एआरटीओ का निरीक्षण किया। उप संभागीय परिवहन कार्यालय में वर्ष 2010 से लेकर 2018 तक वित्तीय अनियमितताओं में हुए 11.79 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी। इस नुकसान को लेकर लखनऊ की टीम ने वर्ष 2018 में जांच शुरू की थी। इस जांच रिपोर्ट के सत्यापन के लिए परिवहन के जोनल कमिश्नर देवेंद्र कुमार त्रिपाठी व आरटीओ कानपुर मंडल संजय सिंह बुधवार को यहां पहुंचे। जोनल कमिश्नर ने बताया कि इटावा एआरटीओ कार्यालय में 11.79 करोड़ रुपए की क्षति की जांच रिपोर्ट की पुष्टि के उद्देश्य से वे निरीक्षण करने पहुंचे थे। आरटीओ कानपुर संजय सिंह ने बताया कि वित्तीय अनियमितताओं के मामले में एआरटीओ सौरभ सिंह के निलंबन के बाद से जांच रिपोर्ट के सत्यापन का कार्य लंबित था, उसी को लेकर निरीक्षण किया गया। इस दौरान आला अधिकारियों ने आरटीओ कार्यालय के विभिन्न कक्षों में जाकर वहां मौजूद कर्मचारी लोगों से सवाल जवाब किए, साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को लक्ष्य प्राप्ति के प्रति आगाह भी किया है। रेगुलर एआरटीओ प्रशासन अभी कोई तैनात नहीं है। कानपुर देहात के एआरटीओ प्रवर्तन मां शंकर यादव से यहाँ का कार्य लिया जा रहा है। एक तो विषय यह था कि मास का आखिरी दिवस है और राजस्व में थोड़ी सी जो कमियां हैं, हम स्टेट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है एआरटीओ की वो मॉनिटरिंग करके राजस्व के अपने लक्ष्यों के प्रति थोड़ा आगाह करना था। साथ ही साथ एक जाँच पुराने समय में 2018 में एक ऑडिट की जांच हुई थी जिसमें राजस्व की कुछ क्षति पाई गई थी, उसके सत्यापन का कार्य भी लंबित था। इस बीच में हमारे तत्कालीन एआरटीओ का निलंबन हो गया और वो जांच आख्या नहीं जा पाई थी, तो उसका अनुस्मारक आया था तो उसकी भी जांच को पुष्ट करना था। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।